शेरावाली को अपनी बुला ले, शेरावाली को अपनी बुला ले, भागी अपने तू मन में जगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाओगे, बल्ले बल्ले। तो बड़ी मतलब की बात सुन लो भैया, मैं आपको क्या बता रहा हूं। लेकिन कबीर बाबा ने एक भजन लिखा, ये मानो, हरि ओम हरि ओम, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविडं तुमेव, तुमेव सर्वमं मम देव देवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ मर्दनम, देवकी परमानंदनम, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्यात हेतवे, तापत्रां चां विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतम, वातातं जंबानर्योत्थम मुख्यम, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल करणो महेश, जय जय माता भारती, जय जय भारत देश। जय जय माता सरस्वती, धरो में तेरा ध्यान, तब सबकी अति कृपा से माँ हो सबका कल्याण। लख चौरासी भरमत भरमत या पौ पर्वत की आए, अब की पासा ना गिरे जो फिर चौरासी जाए। चार वेद छे शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होती है, सुख दीने सुख होए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हुक दीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। जिगर को फाड़ कर देखो तो हजारों गम निकलते हैं, कहीं पर ज्यादा निकलते हैं तो कहीं पर कम निकलते हैं। बुरा किसी को ना कहो, कहे बुरे हो जाओ, ऐसा वार न छोड़ियो लगे स्वयं के घाव। अपने अपने घरन की सब कोई को पीर,
तुम्हें पीर सब घरन की सीता पति रघुबीर। कथा शुभारंभ होती है सुनो वीर हनुमान, आए के आसन लीजियो दीन बंधु भगवान। एक बार प्रेम से बोलो सीताराम नाम भगवान की, वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो शेरावाली मैया की, गंगा भगवती की, धरती माता की, ब्रह्म बाबा महाराज की, बजरंग बली महाराज की, राधा बर बिहारी की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सांची सरकार की। मियां सुइया सीता सावित्री राधा रुक्मिणी गार्गिल भारत की फूल बाग में खिलने वाली सभी हमारी देवी स्वरूपा माताएं एवं बहनें, इस कार्यक्रम के आयोजक भैया सुशील कुमार, उनका पूरा परिवार, माता पिता, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनता, भक्तगण, भगवान की कथा में पधारे सभी हमारे श्रोता भगवत प्रेमी, तमाम कथाएं आप लोग सुनने के लिए पधारे। आओ हम सब आप दो बार भगवान नाम ले लें, फिर उसके बाद हम आपको भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। दो बार हरि का नाम लिया जाए। राम और श्याम ये दो नाम संसार से निराले हैं, और ये दो नाम ये हाईवे रोड हैं। राम और श्याम ये दोनों हाईवे रोड हैं। आप कोई गलियारा चलो, कोई रास्ता चलो, आपको अंत में हाईवे रोड पकड़ना पड़ेगा, और तभी हमारा आपका बढ़िया रास्ता मिलेगा। राम और श्याम, राम का नाम लेने से सहारा मिलता है, और कन्हैया का नाम लेने से किनारा मिलता है, और इन्हीं की कृपा से, राम और श्याम की ही कृपा से ये सब संसार के काम चलते हैं, है ना। हम मर गए, अच्छा काम कर गए, तो उनकी ही कृपा से हम अच्छा काम कर गए, उनकी ही कृपा से हम आप सब यहाँ पहुँच आए। जिस दिन भगवान की कृपा नहीं होगी तो न कलम काम करेगी, न दुकान काम करेगी, न मकान काम करेगा। जिस दिन ईश्वर रूपी ईश्वर शरीर से निकल जाएगा, दुनिया में कोई विज्ञान नहीं पैदा हुई जो हम आपको इस धरती पर चला दे। बस जहाँ शरीर से आत्मा रूपी परमात्मा उड़ी, मानो जल्दी करो लाश खराब जाए, जल्दी करो न लाश खराब जाए, है ना। तो दो बार भगवान नाम ले ले, फिर हम आपको, और एक बात बता दे, आप झूठ बोलो, चार घंटा बाद बिल्ला जी हो, झूठ बोलोगे चार घंटा में बिल्ला जी हो, दुनिया की बात बतलाओगे बिल्ला जाओगे, और भगवान की चर्चा आप जिंदगी भर गाते रहो सुनते रहो, कभी भी उबने वाला नहीं, क्योंकि राम और आम ये दोनों शब्द बहुत योग्य है। 250 रुपया किलो के बर्फी ले जाए और कोई कहा जाए खई हो, तुरंत तैयार हो जाएगा, और आंधी आ जाए तो अंबिया कहो कहो 10 रुपया किलो नहीं बिकात, लेवैया नहीं जो हाथ। 250 रुपया किलो बर्फी गुटिया दिन जाए कह दो खाओ, गप दिखा ली, और जब पगुराए हो तो कह दो उगिल दो, और जो ना उगिले तो कह दो तुम्हारे बापा की कसम, तो तुरंत ही उगिल दिया है, और जब हाथे पर उगिलाए दो तो कह दो अब खाओ,
जस हो गए ले कह दो आप फिर खाओ, कोई ना खाए पाई। और अंबिया देखो, अंबिया या कर नहीं हम देखे ना, ये बहुत जने का 18-18 दाएं गपा गप गपा गप गपा गप, वहा तो वो गिले नहीं आए हो वैसे नहीं जो बिल्लान, क्योंकि तो राम और आम ये दोनों फल बहुत योग्य हैं और इनसे जी उबता नहीं, और जी का राम और आम से जी उब जाता है तो समझ लो वो भवसागर से डूब जाता है। दो बार भगवान नाम, फिर हम आगे की कथा आपको सुना दें। 20 रुपया गीता बिटिया खजुहा पुरवा से भगवान के चोड़े में मात्रा लगा दिया करो बिटिया। 20 रुपया रामपाल भैंसी से, 50 रुपया अरविंद भैया भैंसी से, 10 रुपया शिवानी बिटिया भैंसी से, और ये 21 रुपया संदीप भैया भैंसी से, 20 रुपया शोभा भैया भैंसी से, ओम महिम भैंसी से 30 रुपया महिम भैया भैंसी से, 21 रुपया रिंकू भैंसी से, 20 रुपया गुप्त दान ये सिंहपुर से, 100 रुपया दयाल प्रसाद भैया भैंसी से, और राम स्नेही रावत भैंसी से पता नहीं कई रुपया, 51 रुपया पंकज भैया चांदन से भगवान की शरणों में दान। परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। दो बार भगवान नाम, फिर हम आज आपको कथा में ले चलें, और कथा बहुत भक्ति रस है। आवाज नहीं बढ़ पाई तो आगे तुम्हें बढ़ियो, या हमका गल्ली न बताओ, जो उन कहे तो उन सुनो। सभी लोग दो बार भगवान नाम बोलो। माता सबरी की कथा सुन रहे थे। माता सबरी की कथा बड़ी पावन है, और रामायण की एक पात्रता है, रामायण की एक पात्रता है जो भगवान को रास्ता बता दिया। भगवान ने भी पूछा, ए कभी कभी लोग कहा करते हैं कि प्यासा पानी के पास जाता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि प्यासा पानी के पास जाता है, लेकिन रामायण में जब घुसो तो आपके यहाँ पता लग जाए कि पानी खुद प्यासे के पास जाता है। तुम्हारे पास कर्म है, ए तुम्हारे पास डिग्री है, तुम पढ़े लिखे हो, योग डॉक्टर हो, तो तुमका मरीज नहीं ढूंढे, मरीज खुद ही ढूंढ लेते। लखनऊ में ऐसे ऐसे डॉक्टर है, 1500 रुपया फीस है, और पहले अपॉइंटमेंट लो तब नंबर लिखाओ तब देख पई हो, बताओ वहू डॉक्टर आए, और वहू डॉक्टर आए ले झुआरा भैयन का दवा ले आओ, डॉक्टर तो वहू है। तो वह योग्यता हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए, है ना। तो अगर हमारे ए गंगा जी हमका नहवावे कबहू नहीं है, गंगा जी का नहाए हम खुद ही जाए, गंगा जी का ना गंगा नहवावे है। एक हमारे भागवत में बलराम हुए हैं, बलराम जी को जमुना जी खुद नहवाने आई थी। तो हमारे पास योग्यता हो, वो हमारे पास क्षमता हो, अब कोई हमका भगवान कहलागे तो काम भगवान आन हो, जैसे अत्ते जने बैठो और हमका तुम भगवान कहलागो तो काम भगवान आन, भगवान कोई द्वासर चीज है वो, भगवान कोई द्वासर चीज है, भगवान के यहाँ कोई साधारण आदमी देख पाई है, भगवान के साधारण आदमी ना देख पाई। मथुरा वृंदावन आ जाओ महाकथ, मथुरा जाग देख लो, कहते मोह माया सब भाग जात, और कत्तो बेकूफ आदमी होए वहां सेवाए राधे राधे निकरत नहीं, वहां की महिमा। ए लखनऊ के रे 10-5 क्वास चौगिरदा बतावत कि हम लखनऊ हिया हन, और जहां पर नदी होते है घाघरा तो 2 किलोमीटर से बतावत कि हिया पर हम बहितियान, 2 किलोमीटर से ने ऊंजा पूंजा ऊंड भूड भक्कड़ दिखाए लागत। तो लखनऊ जहां तुम सिधौली नांगे हो तहा मालूम दे लागत भैया लखनऊ लंग चाय लागे ना, गलत बतावा। कुर्सी कहे टिकैतगंज से मालूम दे लागत कि हाँ लखनऊ साइड पहुंच रहे, अब यहाँ तो लखनऊ है।
तो कहने का मतलब परमात्मा कोई और चीज है हो, विका पहचानना बड़ी मुश्किल बात है, उसको जानने के लिए हम आप साधारण आदमी जान पाए वो मेरे भाई। बड़े मतलब की बात आज हम आपको सुना दें। यहां पर देखिए भगवान खुद गए, अगर हमारे में कर्म है, हमने अगर सेवा किया है, जवानी बर्बाद किया है, जिसने बचपना बर्बाद किया तो जवानी सफल है, और जिसने जवानी बर्बाद किया तो बुढ़ापा सफल है, और न जवानी बर्बाद किया न बचपना तो बुढ़ापा नरक है। दोपहर में भैया बहनों ने सुना, हम एक सूचना बोल दे, कल है भंडारा। क्यों भैया? भंडारा है, पहले है भंडारा, उसके बाद में हो संडारा, गलन नहीं बोला। पहले हो भून डारा, उसके बाद हो सान डारा, पहले भून भून बनाए डारा, और उसके बाद सान सान खाए डारा। तो पहले भून डारा, बाद में हो सान डारा। तो कल है भंडारा भैया, इस भंडारे में का कोई जरूरी नहीं कि कोई एक, सबका काम है। अब हमारे काहे काम हुआ है, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी, जी का जौन इच्छा चाहे तौन दान करो। आलू है, चावल है, चीनी है, खीर है, दूध खीरो बनी ना, खीरो बनी, तो कल दूध भी लाना है सबका, और दूध चाहे जाहे को होए, दूध सबका है वो लाग जाए। हाँ, दूध गैया क्या रहे, भैंसी क्या रहे, बकरी बकरी के नहीं लागी हो, बकरी के लागी वो अलग हो, अलग वो हमका दे जाए हो। बकरी के दूध 100 रुपए लीटर ढूंढे नहीं मिलत, बकरी के दूध तो कहते हैं, बकरा कहता है समझाई सब जन लगो हमारे भाई। बच्चा जब जन्म लेता तो सबसे पहले बकरे का ही दूध पियाया जाता, सबसे पुष्ट आहार है बकरे का दूध। बकरी का दूध जो पी लेता है कहते उसके जिंदगी शरीर में है पलेटे नहीं कम पर ही, कोरोना आए नहीं सकत। हाँ, डेंगू बुखार खत्म हो जाते, ऐसा लोग बोलते। तो कल भंडारा है बहनों भाइयों, कल भंडारे में सभी लोग अपने अपने घर से जो भी हो सके, अन्नदान, दूध है, चावल है, आटा है, पत्तल है, गिलास है, आलू है, सब्जी मसाला है, जो जिससे हो सके, ब्रह्म बाबा के नाम से है ना, ब्रह्म बाबा की कथा है भैया, कथा हो रही यहाँ, और ब्रह्मदेव बाबा के दरवाजे पर जगह कम थी इसलिए यहाँ हो रहा है। तो कल भंडारा है और पूरा होती भी है, कल हवन होगा 10 और 12 के बीच में। तो सभी माताएं बरते रहो आराम से, 2, 1, 4, 6 जो भी हो सके, 51, 11 अपने अपने हाथों से हवन में आहूति डारी। हम आप 3 कर्ज से रेडी हैं, हमारे आपके ऊपर 3 कर्ज हैं, और जो व्यक्ति धरती पर आकर के 3 कर्ज अदा करके नहीं मरता है, उसको दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। कौन कौन 3 कर्ज हैं? हम आप भैया कर्जे पर आए हैं हो, हम आप सब जने कर्जे पर आए, केसीसी बनवाए, ग्रीन कार्ड बीसी लेके। पहला कर्ज है देव कर्ज, दूसरा कर्ज है संतों का कर्ज, और तीसरा कर्ज है माता और पिता का कर्ज। ये 3 कर्ज जो व्यक्ति अदा करके नहीं मरता है, उसको दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 3 कर्ज अदा किए जाएंगे, देव कर्ज और ऋषि कर्ज और माता और पिता का कर्ज बताया जाएगा। सभी लोग अपने अपने फर्ज से अदा हो जाइए, और कल कार्यक्रम रात्रि में विसर्जन किया जाएगा। बड़े महान भाव के साथ सभी माताएं कल हवन करेंगी और बरते भी रहेंगी, समय समय से सारे काम सफल किए जाएंगे। आओ हम सब बहनी भैया मिलकर आज देखिए कितनी विचित्र कथा रामायण की महान कथा है, इस कथा को सभी लोग गौर से सुनो। और इस कथा को सुनने से कहते हैं व्यक्ति के शरीर में जो सोई हुई भक्ति है वो भक्ति जाग जाती है। सारी जिंदगी बीत गई काम वासनाओं में, मोह माया में, हम आप सोते रहे
और दुनिया के मोह फांस में फंसे रहे, ईश्वर का नाम नहीं ले पाए। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, सुनो, यक दिन मिटिया माँ, यक दिन मिटिया माँ, मिल जाई सुंदर सबकी देहियाँ। यक दिन मिटिया माँ, मिल जाई सुंदर सबकी देहियाँ। रूप लखाई ताके बीच में हंसा बैठा बोलिया रहा, सुन लो सभा के मेरे भाई सुंदर सबकी दुनिया। मिल जाए